हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईमेल को कॉन्फ़िगरेशन कराना सीख ही लिया था। एंड आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे यूजर के अकाउंट पे हम लोग एक्टिवेशन लिंक सेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टैब को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम चलते हैं अपने अकाउंट एप्लीकेशन में। एंड अकाउंट एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको आना है व्यूज डॉट पी आई फाइल में। एंड यहाँ पे हम आएंगे अपने जहाँ पे हम लोग अपने यूजर को रजिस्टर करा रहे थे। यहाँ देख लो आप, रजिस्टर यूजर नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था। एंड यहाँ पे जब हम लोग रजिस्टर को सेव करा रहे थे ना यूजर को, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, एक्टिवेशन लिंक या फिर कह सकते हो आप यूआरएल सेंड करने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। एंड कमेंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि सेंड वेरिफिकेशन मेल, VERI वेरिफिकेशन मेल, ठीक है, इस तरीके से, या फिर ईमेल बोल दो आप। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन क्या रहेगा हमारा, देखो यहाँ पे मैं यही फंक्शन रहेगा, सेंड अंडरस्कोर वेरिफिकेशन अंडरस्कोर ईमेल, EMAIL, ठीक है, ये हमारा फंक्शन रहने वाला है। इसमें पैरामीटर क्या रहेगा, रिक्वेस्ट, एंड किसके लिए कहाँ भेजेंगे हम लोग, यूजर को भेजेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर देंगे यूजर। तो अभी तक हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। एंड हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अपने यूटिल्स डॉट पे वाली फाइल पे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को जितना हो सकता है सेपरेट रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोड क्या ना हो, हॉस पॉज ना हो, ठीक है। तो हम इस फंक्शन की फंक्शनलिटी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, एंड लिखता हूँ मैं सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे सेंड वेरिफिकेशन ईमेल नाम से, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एक यूजर को पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट में क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूजर पास करेंगे। सो कॉलन लगाएंगे, एंड सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग करंट साइट, CURRENT, करंट अंडरस्कोर साइट। अब करंट सेट का मतलब क्या होता है, कि जैसे अभी हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, कल को जब हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, लाइव करेंगे, तो वहाँ पे जो उसका यूआरएल होगा उसको मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लोकल यूज कर रहे हैं, बाद में हम लोग उसका यूआरएल चेंज करेंगे या डोमेन चेंज कर देंगे। तो करंट साइड क्या होगा हमारा, करंट साइड में हम यूज करेंगे यहाँ पे गेट अंडरस्कोर करंट साइट, CURRENT, करंट अंडरस्कोर साइट, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको इम्पोर्ट करा लेते हैं, जो हम लोगों ने इम्पोर्ट नहीं कराया इसको। तो मैं टॉप में आते हैं, हम लोग टॉप में आने के बाद यहाँ पे ये हमको कहाँ मिलेगा, करंट साइट, देखो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट एंड कॉन्ट्रिक डॉट साइट्स डॉट शॉर्टकट से इम्पोर्ट करेंगे हम लोग गेट करंट साइट, यहाँ पे लिखना बोल दिया हम लोग गेट अंडरस्कोर करंट साइट, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ना। गेट सेंट का गेट करंट सेट में क्या पास करेंगे आप, हम लोग रिक्वेस्ट पास करते हैं, REQUEST, रिक्वेस्ट पास करेंगे। सेकंड थिंग, मेल सब्जेक्ट क्या रहने वाला है हमारे, मेल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो मेल है, मतलब किस किस उसमें जाएगी, सब्जेक्ट क्या रहेगा उस मेल का, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लीज प्लीज एक्टिवेट ACTIVAT, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है ना। थर्ड थिंग ये हो गया हमारा, देन हम देखेंगे मैसेज, MESSAGE, तो मैसेज क्या रहेगा, मैसेज में हम देंगे यहाँ पे रेंडर टू स्ट्रिंग, RENDER, रेंडर अंडरस्कोर टू STRING स्ट्रिंग, ठीक है। अब रेंडर टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, कि टेम्पलेट पास करने का काम करता है, मतलब कि हम लोग अपने ईमेल अकाउंट पे एक टेम्पलेट भेज सकते हैं, मतलब कि HTML फाइल सेंड करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक फॉर्मेट वे में अपना कंटेंट शेयर करेंगे यूजर को। सो पहले इस फंक्शन को हम लोग इम्पोर्ट करा लेते हैं। तो कहाँ मिलेगा हमको ये फंक्शन, फ्रॉम, उसके बाद जेंगो डॉट टेम्पलेट डॉट लोडर से इंपोर्ट करेंगे हम लोग रेंडर टू स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है ना। अब रेंडर टू स्ट्रिंग क्या करेंगे हम लोग, टेम्पलेट की लोकेशन पास करेंगे, तो लोकेशन क्या रहेगी यहाँ पे, अकाउंट, अकाउंट्स के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे ईमेल नाम से, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे यहाँ पे
क्या नाम रखें टेम्पलेट का, तो यहाँ हम लोग देते हैं अकाउंट अंडरस्कोर वेरिफिकेशन अंडरस्कोर ईमेल email.html, ठीक है, इस तरीके से अकाउंट अंडरस्कोर वेरिफिकेशन अंडरस्कोर email.html फाइल बनाएंगे, ठीक है, जो कि अभी बनाए नहीं है, अभी तक बना लेंगे बाद में। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, और यहाँ पे कॉमा लगाना है एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको मैसेज में क्या क्या वैल्यू भेजनी है, मतलब क्या क्या कंटेंट आपको दिखाना है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि इसमें यूजर क्या रहने वाला है हमारा, यूजर, तो यहाँ पे मैं यूजर सेंड कर दूंगा। इसके बाद यूजर के बाद डोमेन रहेगा हमारा DOMAIN डोमेन, तो डोमेन मतलब करंट साइट रहने वाली है क्योंकि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं अभी हम लोग। इसके बाद UID क्या रहेगी यहाँ पे, UID रहेगी यूजर की प्राइमरी की, यूजर डॉट प्राइमरी की। बट मैं आपको बता दूं कि हम लोग डायरेक्टली यूजर की प्राइमरी की सेंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इस प्राइमरी की को डिकोड कर देंगे, ठीक है। तो डिकोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिकोड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे URL सेव Base64 एनकोड मेथड का यूज करेंगे। तो पहले इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं ताकि इसको यूज करना काफी आसान हो जाए। क्या करेंगे फ्रॉम एंड जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट HTTP, ठीक है, HTTP से इंपोर्ट करेंगे हम लोग इसको URL URL Base64 डिकोड करके यहाँ पे, ठीक है, डिकोड फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे URL से अंडरस्कोर Base64 डिकोड, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे फोर्थ बाइट करके एक फंक्शन होता है, फोर्थ बाइट इंपोर्ट करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, तो फोर्थ बाइट काम मिलेगा हमको ये करना है फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट एनकोडिंग एंड पे इंपोर्ट करेंगे किसको हम लोग फोर्थ फोर्थ बाइट, ये क्या करेगा इसको एनकोड कर देगा जो भी हम लोग प्राइमरी की पास करेंगे यूजर की। तो फोर्थ बाइट्स एंड फोर्थ बाइट में क्या पास करेंगे हम लोग यूजर डॉट प्राइमरी की, ठीक है, इतना काम आपको करना है। सेकंड थिंग आपको कॉमा लगाना है, इसके बाद एक टोकन जनरेट करेंगे, जो टोकन सेंड करेंगे हम लोग टोकन, तो टोकन क्या रहेगा हमारा, इसमें टोकन जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फंक्शन होगा जो जेंगो का है, वो है डिफॉल्ट टोकन जनरेटर करके, तो इसको भी इम्पोर्ट करा लेते हैं हम लोग। डिफॉल्ट टोकन जनरेटर हमको कहाँ मिलेगा, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑथ डॉट टोकन से इंपोर्ट करना है आपको डिफॉल्ट टोकन जनरेटर, ठीक है। सो डिफॉल्ट टोकन जनरेटर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिर अपने फंक्शन में, डिफॉल्ट टोकन जनरेटर मेक अंडरस्कोर टोकन TO मेक टोकन, जो क्या करेगा टोकन बनाने का काम करेगा TOKEN, यहाँ पास करेंगे हम लोग यूजर को। यहाँ पे कॉमा लगाना है आपको एंड कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टू अंडरस्कोर मेल, यहाँ लिखेंगे टू EMAIL टू ईमेल, ठीक है, तो ईमेल किसे सेंड करेंगे हम लोग, मतलब कौन सेंड करेगा किसको सेंड करनी है, सॉरी यहाँ लिखेंगे यूजर डॉट जो हम लोगों ने ईमेल बनाया था, ठीक है, इसको सेंड करेंगे। इसके बाद ये हो गया देन मेल MAIL, सो मेल क्या रहेगी हमारी, रहेगी ईमेल सेंडर, जब ईमेल मैसेज फंक्शन होता है जेंगो में, ये क्या करता है मेल सेंड करने का काम करता है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट मेल से इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको ईमेल मैसेज, ठीक है। तो हम लोग इस ईमेल मैसेज की हेल्प से मेल सेंड कर पाएंगे, यहाँ लिखा मैंने ईमेल सेंड ईमेल मैसेज। एंड ईमेल मैसेज में क्या रहेगा, सबसे पहले आपका मेल सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड थिंग हमारा मैसेज रहेगा, एंड उसके बाद किसको सेंड करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको करना है टू ईमेल जो हम लोगों ने यहाँ मैसेज किया है।
उसके बाद जो हमारी मेल है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक का जो हमारा काम था ये तो प्रॉपर तरीके से हो गया। नाउ सेकंड थिंग कि हम लोगों ने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया था ना अकाउंट वेरिफिकेशन मेल ईमेल नाम से, तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं पहले अपने टेम्पलेट फाइल में जाके, कॉपी करते हैं इसको एंड हम लोग आएंगे अपने टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट्स फोल्डर में आएंगे अकाउंट्स, देन यहाँ पे फाइल पे आके इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आपको एंटर करना है। नाउ एंटर करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिखना है कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज एंड ऑटो स्केप ऑफ ऑटो स्केप टी एस, या फिर ऐसे करते हैं नेट से निकाल लेते हैं क्या लिखा था हमको कंटेंट। सो यहाँ लिखते हैं ऑटो स्केप ऑफ जेंगो में, ठीक है टेम्पलेट है जेंगो की, तो ये देख रहे हो यहाँ से आपको इसे कॉपी कर लेना है। और ऑटो स्केप जो होता है जनरली क्या होता है, परमिशंस के लिए होता है कि ट्रस्ट वर्थी के लिए कि हाँ जो हम जो हमारे पास कंटेंट आ रहा है वो ट्रस्ट वर्थी है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड ये लिख देंगे ऑटो स्केप सिंपल। ठीक है ना, अब इसमें लिखना क्या है आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैसेज दे रहा हूँ सिंपल सा हाय, एंड इसके बाद मुझे यूजर का नाम चाहिए, फिर मैं जिंजर टैग का यूज कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे यूजर डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम हो जाएगा, सेकंड प्लीज क्लिक ऑन बिलो लिंक टू कंफर्म, प्लीज क्लिक ऑन बिलो लिंक टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है रजिस्ट्रेशन, ठीक है यहाँ तक ना। इसके बाद हमको एक लिंक करनी पड़ेगी क्रिएट, तो लिंक क्या रहेगी हमारी, यहाँ लिखेंगे https://, देन हमारा डोमेन रहेगा जो कि है लोकल होस्ट डोमेन DOMAIN डोमेन रहेगा हमारा, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज में रहेगा हमारा URL एंड URL क्या रहेगा एक्टिवेट ACI एक्टिव ACTIVAT एक्टिवेट एंड UIDV आ गया यहाँ पे UIDV64 में क्या रहेगी, UID रहेगी हमारे यूजर की एंड लास्ट में क्या रहेगा टोकन TOKEN, टोकन में क्या पास करेंगे हम लोग, टोकन ही पास करेंगे जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो हमारा जो जनरली URL बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो कुछ तरीके से कि HTTP:// 127.0.01 01 है कॉलन 8000, क्योंकि हम लोग 8000 पे चला रहे हैं, स्लैश एक्टिवेट स्लैश MTM जो भी मतलब हमारा URL बनेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, एक टोकन जनरेट होगा हमारा, UID जो भी UID होगी यहाँ पे वो UID आ जाएगी, देन यहाँ पे टोकन बनेगा हमारा कुछ भी अच्छी न्यूमेरिक वैल्यू होगी हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा हमारे URL जनरेट होगा, ये बेसिक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। ठीक है स्लैश को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि हम इस एक्टिवेट नाम को जो हम लोगों ने URL दिया है ना इसको क्रिएट भी करना पड़ेगा हमको। सो उसके लिए चलेंगे हम लोग कहाँ पे, अकाउंट एप्लीकेशन के URLs.py फाइल में एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है बहुत ही, पाथ लिखना है आपको एंड सिंगल कोट के अंदर एक्टिवेट स्लैश एक्टिवेट के बाद आपको लिखना है यहाँ पे UID, आपको लिखना है UIDV64, ठीक है एंड देन स्लैश लगाना है आपको, देन अगेन ये लिखना है आपको टोकन, इसके बाद स्लैश लगाना है, देन कॉमा लगा के व्यूज डॉट एक्टिवेट फंक्शन रहेगा हमारा एंड नेम में भी क्या करेंगे हम लोग डबल कोट्स के अंदर एक्टिवेट दे देंगे, कॉमा लगाना है, देन हम लोग क्या करेंगे हम एक्टिवेट फंक्शन करेंगे के लिए, तो मैं इसको कॉपी करके सेव कर लेता हूँ, देन हम लोग आएंगे अपने कहाँ पे व्यूज डॉट पी आई फाइल में एंड सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं जो अभी येलो कलर से लाइन आ रही है आने दीजिए ठीक करेंगे उसको हम लोग। ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट एक्टिव एक्टिव रजिस्ट्रेशन कर लो, एक्टिवेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है तो मैंने फंक्शन बनाया, देन यहाँ पे एक्टिवेट लिखा, पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट जाता है यहाँ पे, रिक्वेस्ट के बाद दो चीज़ें और थी उसमें,
पहले थी UIDP64 एंड उसके बाद टोकन, देन यहाँ से फिलहाल मैं बस रिटर्न ट्रू करता हूँ, ठीक है रिटर्न ट्रू हो जाएगा ताकि हमको कोई एरर देखने को न मिले यहाँ तक। नाउ इसके बाद अगर हम लोग टॉप में आएंगे तो जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन यूज किया, देखा आपको ये सेंड वेरिफिकेशन ईमेल नाम से जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था utils.py फाइल में, इसको यूज कहाँ करना है हमको, इसको यूज करना है utils.py फाइल में, तो इसको पहले हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा भाई। तो टॉप में आते हैं हम लोग और यूटिल्स फाइल में आके यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करा लेता हूँ। तो क्या था, वेरिफिकेशन सेंड वेरिफिकेशन ईमेल नाम से हमारा फंक्शन था, ठीक है। तो इसको यूज कहाँ करा हम लोगों ने, यूज यहाँ किया सेंड वेरिफिकेशन ईमेल यूजर है, एंड देन इसी को हमें और कहाँ यूज करना है, देखो चाहे एक कोई नॉर्मल यूजर करे रजिस्ट्रेशन या फिर कोई वेंडर करे रजिस्ट्रेशन, या तो कोई वेंडर करे रजिस्ट्रेशन, दोनों के केस में आपको ये फंक्शन कॉल कराना ही कराना है, ठीक है। ओके सो इतना तो हो गया हमारा, अब इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कितने हमारे पास यूजर हैं। तो फिलहाल मैं जो अजय है ना इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, एंड हम लोग कोई नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक ही है admin1@gmail.com, एंड यहाँ पर आते हैं रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे मैं नाम डालने वाला, जैसे लिखा मैंने आपके दीपक कुमार, ईमेल आईडी लिखा मैंने आप not a data science@gmail.com, और यहाँ जो आप ईमेल आईडी डालोगे एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसपे आपकी एक्टिवेशन लिंक जाएगी, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप कोई भी डाल दो फिर लिंक जाएगी तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। देन आगे यहाँ लिखता हूँ मैं दीपक, यहाँ मैं डालता हूँ पासवर्ड में कुछ भी, देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके सो यहाँ क्या दिखा रहा है ये, एट्रीब्यूट एरर अकाउंट्स यूजर मीन्स नो एट्रीब्यूट एंड कोड। ओके किस लाइन नंबर पे दे रहा है हमको ये दे रहा है व्यूज में लाइन नंबर 55, व्यूज लाइन नंबर 55 इसमें रिक्वेस्ट यूजर, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने कहाँ बनाया था, ये बनाया था यूटिल्स के अंदर, तो यहाँ पे कुछ बाइट्स में कुछ एरर दिखा रहा है, ये चेक करते हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने डिकोड किया हुआ, एक्चुअली में डिकोड के लिए क्या करना था हमको एनकोड करना था इसको यार। तो टॉप में आते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ करेंगे URL से एनकोड, तो एनकोड करेंगे तभी तो डिकोड करेंगे हम लोग, इसको एनकोड करना है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिकोड की जगह करेंगे एनकोड, ठीक है। इसके बाद सब कुछ ठीक रहता है, पहले चेक करते हैं सर्वर, कोई एरर नहीं है। नाउ मे बी शायद हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ और दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे एक बार, ठीक है। देखते हैं कोई एरर ना हो, नाम डालते हैं फटाफट दीपक कुमार नॉट आर डेटा साइंस, यहाँ पर डालते हैं दीपक पासवर्ड, क्लिक करते हैं सबमिट पे, एंड ओके योर अकाउंट हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली मीन्स कि हमारे जीमेल अकाउंट पे क्या हो गया होगा, मेल चली गई होगी, चेक करते हैं एक बार। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड इसे भी क्लोज करते हैं, एंड एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जीमेल ओपन करते हैं अपनी, ओके यहाँ देख सकते हो आप मी, यहाँ दिखा रहा है प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट, इसको मैं ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो नाम आ रहा है हाय दीपक प्लीज क्लिक ऑन बिलो लिंक टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ तक का जो प्रोसेस था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि एक्टिवेशन के लिए, मतलब एक्टिवेशन का प्रोसेस रह रहा है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे इसको एक्टिवेट करना भी सीख लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं इसी में इसको फिनिश करते हैं ताकि क्यों मतलब इसको ब्रेक करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो जब हम लोग इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन हिट होगा, हमारा फंक्शन हिट होगा हमारा यू आर एल में जाएंगे
एंड ये एक्टिव फंक्शन चलेगा हमारा, एंड एक्टिव फंक्शन में ये वाला फंक्शन चलेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अपना एक्टिवेशन का जो कोड है वो लिखना है, ताकि अकाउंट क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। अभी आप देखोगे अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, इसको रिफ्रेश कर दूँ अगर मैं, तो यहाँ पे देखो अभी कस्टमर है बट ये एक्टिव नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको एक्टिव, चलो उस पर चलते हैं बीएस कोड पे, एंड यहाँ पे उसका लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले कमेंट लिख देते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है। सो यहाँ पे जो कोड लिखनी लिखनी है एक्टिवेट, एक्टिवेट द यूजर बाय, इसके थ्रू सेटिंग द, एक्टिवेट द यूजर बाय द, बाय सेटिंग द इज एक्टिव इज अंडरस्कोर एक्टिव स्टेटस टू ट्रू, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि मतलब कि जब एक्टिवेशन लिंक होगी तो जो इसका यूजर का जो इज एक्टिव स्टेटस है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इस पे हमको काम करना है। सो बहुत ही सिंपल सा है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्राई का यूज करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का, ट्राई एक्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ, एंड यहाँ भी फिलहाल के लिए मैं पास ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले ट्राई में क्या करना है आपको, देखो ट्राई में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूआरडी लेंगे हम लोग, जो यूजर की आईडी हो गई। तो यूआरडी आईडी क्या आएगी आपकी, यूआरएल सेफ Base64 डिकोड को इम्पोर्ट करना पड़ेगा पहले हमको, ताकि यूआईडी को क्या करना पड़ेगा, मुझे डिकोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास यूआईडी आएगी। तो इसे पहले हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा भाई, तो चलो इम्पोर्ट कर लेते हैं फटाफट गूगल्स में। तो अपने जितने हमने यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंड व्यूज में आके इसको मैं पेस्ट करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे इनपुट की जगह क्या करना है मुझे, डिकोड करना है, ठीक है। सो इसी फंक्शन में यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, सबसे लास्ट में आके यहाँ पे यू आर एल, यू आर एल बेस डिकोड करेंगे, एंड डिकोड का किसको करना है, यू आई डी बी 64 जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यू आई डी मिल जाएगी। देन इसके थ्रू यू आई डी क्या कर देंगे, डिकोड कर देंगे, डिकोड, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग के यूजर क्या ऐड करेंगे हम लोग, यूजर कहाँ से आएगा हमारे पास, यूजर डॉट अंडरस्कोर फॉल्ट मैनेजर डॉट गेट। तो गेट किससे करेंगे हम लोग, प्राइमरी की, प्राइमरी की में क्या पास कर देंगे यहाँ से, यू आई डी, जो यूजर की आईडी आएगी, वो यूजर आईडी गेट करने के बाद हम उससे यूजर गेट कर लेंगे, एंड यूजर गेट करने के बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे यूजर मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे ना। फिर अगर यूजर नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करेंगे, एरर आएगी, उसको हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं एरर को यहाँ पे। जैसे एक हमारी टाइप एरर हो सकती है, सेकंड वैल्यू एरर, थर्ड ओवरफ्लो एरर हो सकती है, एंड एक हो सकती है यूजर डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, परफेक्ट, ठीक है। इसके लिए तो अगर यूजर नहीं मिलता है वो यहाँ पे कर देंगे, यूजर क्या हो जाएगा हमारा, नन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूजर जो है हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू नन, यूजर हमारा नन हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इफ लगाऊंगा, एंड इफ में लिखेंगे कि यूजर डॉट यूजर, अगर हमारा क्या यूजर इज नॉट नन, अगर यूजर नन है तो ठीक, कोई बात नहीं भाई, अगर यूजर हमारा नन नहीं है, नॉट नन, तो उस केस में क्या करेंगे, नन नहीं है, एंड यहाँ पे एक होता है डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टोकन जनरेटर, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने यूजर्स में किया हुआ था पहले ही, डिफॉल्ट टोकन जनरेटर यहाँ से कॉपी किया, एंड का आके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट, इंपोर्ट करा लिया टोकन जनरेटर को, सबसे लास्ट में आते हैं आगे यहाँ पे, ठीक डिफॉल्ट टोकन जनरेटर, ठीक है। डॉट चेक टोकन, CHECK, चेक अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। चेक करेंगे कि टोकन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो यूजर कॉमा टोकन, ठीक है।
टोकन मिल जाएगा हमको यहाँ से। अगर टोकन मिल जाता है सो हम क्या करेंगे कि यूजर डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव का स्टेटस कर देंगे इसका ट्रू, टी आर यू, ठीक है। एंड उसके बाद यूजर को कर देंगे सेव, एक्टिव करके सेव कर देंगे। एंड उसको एक मैसेज दे देंगे, मैसेज इसमें क्या देंगे हम लोग भाई, मैसेज कैसे रहेगा हमारा सक्सेस। एंड इसमें पहला आर्गुमेंट बताइए रिक्वेस्ट जाता है हमारा। एंड सिंगल कोट के अंदर हम लोग दे देंगे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एंड रीडायरेक्ट वहाँ पे करेंगे, रिडायरेक्ट हम लोग माई अकाउंट पे कर देंगे, माई अकाउंट पे करते हैं। माई अकाउंट पर था ना, ये वाला ये चेक करता है कि उसको कहाँ भेजना है, यूजर को किस डैशबोर्ड पे सेंड करना है, कस्टमर पे भेजना है या फिर वेंडर पे भेजना है। अगर एल्स में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कि अगर यूजर नहीं मिलता तो ये, देन एल्स में क्या करेंगे हम लोग मैसेज दे देंगे, मैसेजेस डॉट एरर, यहाँ भी सेम रहेगा रिक्वेस्ट, एंड मैसेज देंगे कि इनवैलिड एक्टिवेशन लिंक, ठीक है, इनवैलिड एक्टिवेशन लिंक। और उसको रिटर्न कर देंगे कहाँ पे हम लोग, रीडायरेक्ट माई अकाउंट, माई अकाउंट, ठीक है। बस इतना सा हमको क्या करना था, काम करना था। अब हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं करता। तो अगेन हम लोग आएंगे अपनी, पहले सर्वर चेक कर लेते हैं भाई, कोई एरर तो नहीं है किसी तरह का, कोई एरर नहीं है। फिर आएंगे हम लोग अपने जीमेल पे, एंड इस जीमेल को रिफ्रेश करके ना एक बार मैं क्या करता हूँ, इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग, क्लिक करते हैं, अगर कोई एरर नहीं मिलता है, परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, ठीक है, मतलब कि हमारा अकाउंट क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। एक बार जरूर चेक कर लेते हैं हम लोग जाके, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे कि अकाउंट क्या हो चुका है हमारे, यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। नाउ इसको अगर आप दोबारा समझ लो, ब्रीफ में थोड़ा समझाता हूँ जल्दी जल्दी, कि एक्टिवेट में क्या किया हम लोगों ने, पहले यूजर की आईडी ऐड करी, ठीक है, उसके बाद यूजर की आईडी ऐड करने के बाद हम लोगों ने आईडी के थ्रू, उसी आईडी के थ्रू हम लोगों ने यूजर को ऐड कर लिया। अगर यूजर नहीं मिलता है हमको, उस केस में हमने यूजर को नन कर दिया, और अगर यूजर मिल जाता है, ठीक है, अगर नन नहीं है तो हम क्या कर देंगे उस यूजर की, यूजर को इज एक्टिव जो फील्ड बनाया था उसको हम लोग प्रूव कर देंगे, और उसको सेव करा के एक मैसेज दे देंगे और भेज देंगे हम लोग उसको माई अकाउंट के यूआरएल पे। सेकेंड थिंग, एल्स में अगर इस वाले प्रोसेस में कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग एरर आएगी और एरर दिखा देंगे कि जो लिंक जो है वो क्या हमारी एक इनएक्टिव लिंक है, खत्म, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं हम लोग जो ईमेल वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, फॉरगेट पासवर्ड के प्रोसेस पे काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों का हो गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेट पक्ष, तब तक के लिए बाय बाय।